हेलो फ्रेंड्स, माय होम किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ पकौड़ी वाली कढ़ी। तो उसके लिए मैंने इसमें पकौड़ी के लिए घोल बना लिया है। बेसन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और मैंने उसमें हल्दी और नमक डालकर इसका इस तरह से घोल बना लिया है। हमें इसको इस तरह से बनाना है। और मैंने एक कटोरी बड़ी वाली दही ली थी और उसमें 3 चम्मच बेसन डालकर इसको मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें हम पानी बाद में डालेंगे, सबसे पहले हम पकौड़ी बना लेते हैं। पकौड़ी के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें तेल कर दिया। मैंने सरसों का तेल लिया है। अभी इसको हम गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल देती हूँ। पकौड़ी आप हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इनको तलना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। मैं एक एक करके सारी पकौड़ियाँ डाल देती हूँ। हमारी पकौड़ी एक साइड से पक गई है। अब इसको हम बदल देते हैं और हम दूसरी साइड से इनको पका लेते हैं। हमारी पकौड़ी तल चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। देखिए हमारी हमारी पकौड़ी अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें हम कढ़ी बनाते हैं। मैंने कढ़ी के घोल में पानी कर दिया है। कम से कम मैंने इसमें 1 लीटर पानी किया है। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसे हम चला बना। मैंने सेम कढ़ाई ली है। मैंने उसमें से ऑयल निकाल दिया था। अब मैं इस मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मेथी दाना और जीरा डाल देती हूँ। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 8 से 10 लहसुन भी कली मैंने कूट ली है अच्छे से। अब वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इनको हमें ब्राउन होने तक पकाना है। हमारा प्याज और लहसुन अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें कढ़ी का घोल डाल देती हूँ। इसको हमें लगातार चलाते रहना है। जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे बीच बीच में रोकना नहीं है, सिर्फ लगातार चलाते रहना है। जब इसमें उबाल हो जा आ जाएगा तो हम लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ सकते हैं। तब तक हमें इसको चलाते रहना है, नहीं तो हमारी कढ़ी फट सकती है। देखिए फ्रेंड, मेरी हमारी कढ़ी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट अनुसार नमक। नमक हमें बाद में ही हमेशा डालना चाहिए। और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और इसे हम अब बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। इसे हम अब छोड़ सकते हैं और 10 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे लो मीडियम फ्लेम पर। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुकी हैं। अब मैं इसमें हमारी कढ़ी बन चुकी है। अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल देती हूँ। पकौड़ियाँ लास्ट में ही डालनी चाहिए। और पकौड़ियों के साथ भी हमें इनको 5 मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल होने देना है ताकि पकौड़ियों के अंदर तक हमारी कढ़ी जाएगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब इसके लिए मैं तड़का बना देती हूँ। तड़के के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। उसमें मैंने थोड़ा सा तेल किन डाला है। अब उसे गर्म हो जाने देते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी करी पत्ता, लाल मिर्च और 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इस तड़के को हम कढ़ी में डाल देंगे।
देखिए फ्रेंड, हमारी कढ़ी बनकर तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी कढ़ी बनकर रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।